नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो 4 में। तो ये जो मैं आप लोगों के सामने जो अभी दिखाने जा रहा हूं, पार्ट 4 है और आज हम बात करेंगे रिक्टेंगल पैटर्न के बारे में। रिक्टेंगल पैटर्न क्या होता है, किस तरह से काम करता है, इसको हमें एंट्री किस तरफ लेनी चाहिए, स्टॉप लॉस कहाँ रखना चाहिए, टारगेट क्या रखना चाहिए। तो क्योंकि ये पैटर्न देखिए, ये मार्केट में अक्सर बनते रहते हैं इंट्राडे ट्रेडर के लिए, या स्विंग ट्रेडिंग करनी हो या किसी भी ट्रेडिंग के पर्पज से ये पैटर्न जो है जब ब्रेकआउट देते हैं तो बहुत ही अच्छी एक इसमें चाल होती है। तो ये देखिए, इसमें प्राइस क्या होता है, प्राइस इसमें एक अप ट्रेंड या एक डाउन ट्रेंड, ये दो ट्रेंड में बनता है। मान लीजिए जैसे ये एक अप ट्रेंड में बन रहा है, अप ट्रेंड में जाने के बाद प्राइस क्या होता है, कुछ टाइम के लिए पॉज हो जाता है। आप समझ लीजिए कि मतलब एक ही रेंज में ट्रेड करता है। जैसे आप ये नीचे जो ग्रीन लाइन देख रहे हैं, सपोर्ट जो देख रहे हैं, आप इसको मान लीजिए 100 रुपए की लाइन है और ऊपर ये जो मान लीजिए 110 रुपए की ये रेजिस्टेंस पे हमने ड्रॉ किया हुआ है, तो प्राइस आप देख रहे हैं कि ये 10 रुपीज के अंदर ही जो है ये मूवमेंट कर रहा है। 100 रुपए पर आ रहा है, फिर 110 पे जा रहा है, फिर 100 पे आ रहा है, फिर 110 पे जा रहा है। तो मीन्स जो है प्राइस जो है एक पॉज हो जाता है एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर आकर। तो जब इसका ब्रेकआउट होता है तो हमको किस तरह से इसमें जो है एंट्री लेनी है, किस तरह से एग्जिट करना है, तो वो चीजें मैं आपको अभी यहां पर क्लियर करूंगा। तो देखिए यहां पर, देखिए ब्रेकआउट यहां पर जो आपने देखना है, यहां पर जो ब्रेकआउट होता है इस चैनल का, चाहे ये ब्रेकआउट जो है नीचे भी हो सकता है रेक्टेंगल पैटर्न में, ये ब्रेकआउट ऊपर भी हो सकता है। बट अगर आप इसको अप ट्रेंड में देख रहे हैं तो आप जो है मतलब 90% जो है ये ऊपर की तरफ ही ब्रेकआउट देगा, बट 10% जो है नीचे की तरफ भी दे सकता है। बट आप जो है अगर ट्रेंड की डायरेक्शन में काम कर रहे हैं तो फिर आपको जो है मतलब वहां पर एक अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। अगर आप ट्रेंड में हैं तो आप बाय साइड में ही रहिए, अगर डाउन ट्रेंड में आपको इस तरह का रेक्टेंगल पैटर्न दिखाई देता है तो आप जो है फिर सेल साइड में रहिए। तो यहां पर देखिए क्या होता है, यहां पर जो ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट की कैंडल एक बड़ी कैंडल होनी चाहिए, अगर वॉल्यूम भी सपोर्ट करता है तो बहुत अच्छा है। और इसमें जो है स्टॉप लॉस हमारा जो है इस सपोर्ट के नीचे, यहां पर हम यहां पर अपना स्टॉप लॉस प्लेस करते हैं। तो चलिए आइए, मैं जो है आपको इसको चार्ट में जो है पर्टिकुलर मैं आपको इसको बनाकर बताता हूं अच्छे से, तो आपको चीजें जो है अच्छे से समझ में आएंगी। तो मैं यहां पर आपको पहले चार्ट दिखाता हूँ, मान लीजिए कोई भी एक चार्ट खोल लेता हूँ, उसमें मैं आपको फिर करके दिखाऊंगा कि किस तरह से चीजें काम करती हैं। तो चलिए आइए, मैं आपको यहाँ करके दिखाता हूँ अच्छे से, यहाँ पर क्लीन कर लेता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए एक यहाँ पर सपोर्ट हमने ड्रॉ करके रखा हुआ, यहाँ पर एक सपोर्ट है, ठीक है, सॉरी एक सपोर्ट है, इसको मैं कलर जो है व्हाइट कर देता हूँ। तो अब देखिए एक सपोर्ट है और प्राइस एक जो है, प्राइस मान लीजिए ये 1120 रुपये है, प्राइस कुछ ऊपर जाता है, यहां पर होल्ड करता है, रुकता है यहां पर, उसके बाद प्राइस जो है फिर जो है नीचे की तरफ में आ जाता है। मान लीजिए इस ये 100 रुपये का नीचे सपोर्ट है और नीचे की तरफ ये आ गया, उसके बाद यहां ही से प्राइस जो है फिर चालू होता है, फिर ये ऊपर की तरफ जाता है, यहीं तक, ठीक है, जहां तक मतलब लास्ट टाइम गया था। उसके बाद ये 110 रुपये से फिर जो है नीचे की तरफ आता है, ये 100 रुपये तक, ये प्राइस की बात कर रहा हूँ, जो कैंडल है आपकी बनेगी मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसके बाद यहां से देखिए सपोर्ट, यहां पर फिर सपोर्ट देकर जो है फिर ये ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, फिर ये 110 तक जाता है, उसके बाद फिर जो है यहां पर रेजिस्टेंस लेकर जो है फिर ये नीचे की तरफ आता है। तो यहां पर जो है 1-2 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है। और मैं अभी आपको इस तरह से बताता हूँ, और फाइनली हम इसको यहां पर जो है रेजिस्टेंस एक ड्रॉ कर देते हैं इस तरह से। तो ये हमारा जो है एक रेजिस्टेंस हो गया, और अब जो है प्राइस जो है मान लीजिए ये अप ट्रेंड में ही बन रहा है, तो अब हमको यहां पर देखिए, मान लीजिए प्राइस यहां पर आ गया, इसने क्रॉस कर दिया, एक कैंडल अच्छी बनी और नीचे वॉल्यूम ने भी आप इसको सपोर्ट किया, तो यहां पर मान लीजिए प्राइस ने ब्रेक कर दिया। अभी देखिए आपको एंट्री कहां पर लेनी है, एंट्री देखिए एंट्री आप यहां पर भी ले सकते हैं, ठीक है, ये जो कैंडल ब्रेक करती है, कैंडल ब्रेक करती है, कैंडल के ऊपर की प्राइस पर आप एंट्री ले सकते हैं। दूसरा क्या होता है, कई बार देखिए प्राइस में क्या होता है, प्राइस ऊपर की तरफ निकल जाता है, फिर प्राइस जो है उसको रीटेस्ट करने के लिए, इस तरह से रीटेस्ट करने के लिए आता है, ठीक है ना। तो जब वो प्राइस रीटेस्ट करने के लिए नीचे की तरफ आए और वहां पर कोई आपको कंफर्मेशन मिले, कोई हैमर कैंडल मिले, या नीचे वॉल्यूम से कोई सपोर्ट मिले, या RSI से कोई सपोर्ट मिले, तो आप वहां पर भी एंट्री ले सकते हैं। अदरवाइज जो है जब प्राइस इस लेवल को क्रॉस करेगा, ये जो लेवल है ये देखिए जहां पर प्राइस ऊपर गया है, ये देखिए मैं आपको करके बताता हूं,
जब प्राइस यहाँ ये क्रॉस करेगा, इस तरह से क्रॉस करेगा, फिर आप एंट्री यहां पर ले सकते हैं। मीन्स मेरे कहने का मतलब है आप यहां पर जो है एंट्री फिर दोबारा ले सकते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर एंट्री जो है आपकी कंफर्मेशन एंट्री होगी, कंफर्म एंट्री होगी, ठीक है ना। तो देखिए आपको स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, आपको स्टॉप लॉस जो है इस पर्टिकुलर यहां पर रखना है, ये जो सपोर्ट बना था इसके नीचे यहां पर रखना है, ठीक है। सेकंड जो है आप क्या कर सकते हैं, अगर प्राइस यहां नीचे कोई स्विंग लो इसने बनाया है, यहां पर ऊपर जाकर यहां पर नीचे कोई स्विंग लो बनाया है, मैं आपको करके बताता हूं। मान लीजिए प्राइस यहां से जो है इस तरह से ऐसे नीचे आकर, ठीक है, यहां पर आया प्राइस, यहां पर रुका प्राइस, यहां पर रुकने के बाद जो है यहां पर फिर यहां पर इस तरह से ब्रेकआउट दिया है। तो आप यहां पर ये जो नीचे का जो आप स्विंग लो देख रहे हैं, यहां पर आप जो है यहां पर आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको यहां पर एंट्री बता दी कि आप एंट्री यहां पर ले सकते हैं, या तो अपना आप यहां पर ऑर्डर प्लेस कर दीजिए, या तो यहां पर आपको जो है इस दूसरी पोजीशन ये है कि इस तरह से आप एंट्री ले लीजिए, ठीक है। और स्टॉप लॉस जो है आप स्विंग लो यहां पर जो मतलब ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, इस स्विंग लो के नीचे रख सकते हैं, या फिर जो है मतलब अच्छा रहेगा कि मतलब अगर आप यहां पर रखें, ठीक है। और टारगेट देखिए क्या होगा, टारगेट ये जो रेंज थी, मान लीजिए ये रेंज 10 रुपए की थी, तो 10 रुपए की जब टारगेट जब आता है, जब प्राइस मान लीजिए यहाँ पे ये 100 रुपये प्राइस था, ये 110 रुपये प्राइस है, और जब प्राइस 120 रुपये आता है तो आप 70% क्वांटिटी बुक कर लीजिए। उसके बाद मतलब देखिए इसको तीन पार्ट में लेकर चलना है, मान लीजिए 10 रुपये की ये रेंज है, तो फिर 10, 20, 30 इस तरह से आप अपना जो है प्रॉफिट बुक करिए, मतलब 1:1, 1:2 और 1:3। और स्टॉप लॉस आपका हमेशा छोटा होना चाहिए और टारगेट आपका हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो चलिए मैं जो है आपको इसको चार्ट में भी दिखा देता हूँ, ये कब का पैटर्न बने थे और कब इसका ब्रेकआउट हुआ, तो किस तरह से मतलब इसने टारगेट दिया था। तो ये देखिए यहाँ पर एक मैं आपको बर्जर पेंट का दिखाऊंगा, बर्जर पेंट की मैंने जो है एक वीडियो भी डाली थी, उसको भी आप जाकर देखिएगा। ये देखिए ये बर्जर पेंट का मैंने आपके सामने चार्ट खोल के रखा हुआ है। ये देखिए प्राइस क्या था, प्राइस ये जो नीचे का प्राइस था वो 290 रुपये का था, और जो ये जो रेजिस्टेंस का जो प्राइस था वो 336 और 340 के नियर अबाउट था। तो आप ये देख लीजिए कि 50 रुपीज की ये रेंज थी, ठीक है। और जब इस तरह के रेक्टेंगल पैटर्न के ब्रेकआउट होते हैं तो ये कई बार 1:10 भी देकर जाते हैं। मान लीजिए अगर ये 10 रुपए की रेंज है तो आपको 100 रुपए के भी टारगेट मिल जाएंगे, ये 10 रुपए की रेंज है तो आपको 50 रुपए के भी टारगेट मिल जाएंगे। तो इस यहां पर जब ब्रेकआउट होते हैं तो ये ब्रेकआउट बहुत शानदार होते हैं। तो यहां पर देखिए प्राइस क्या कर रहा है, यहां पर मैं आपको दिखाता हूं। देखिए अब प्राइस क्या है, प्राइस देखिए ये 290 रुपये है, 290 रुपये से ऊपर 340 रुपये, उसके बाद फिर यहां पर 290 रुपये, फिर 300, देखिए ऊपर रेजिस्टेंस पर 340 रुपये, फिर सपोर्ट पर आके 290 रुपये पे सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लेकर जो है फिर ऊपर जो है 340 रुपये तक गया है, फिर जो है नीचे ये नियर अबाउट 300 रुपीज तक आया है, और फाइनली जो है इसने यहां पर ब्रेकआउट दिया। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूं करके, तो यहां पर इसने जो है ब्रेकआउट दिया, ये देखिए, सॉरी मैं पहले इसको मैं ये देखिए जिस कैंडल ने यहां पर ब्रेकआउट दिया है, ये देखिए ये कैंडल का साइज भी बड़ा है और ये जो वॉल्यूम है वॉल्यूम भी अच्छा यहां पर लगा हुआ है। फाइनली क्या हुआ है, यहां पर कुछ देर के बाद प्राइस यहां पर जाकर फिर पॉज हो गया है, मतलब जो रेक्टेंगल पैटर्न यहां पर बन रहा था सेम रेक्टेंगल पैटर्न जो है यहां पर एक बार फिर बना है। यहां देखिए यहां पर फिर एक बार रेक्टेंगल पैटर्न बना है, ठीक है। और ये जो रेंज थी आप ये रेंज देखिए 357, और ये जो रेजिस्टेंस की जो रेंज है वो 372, मीन्स दी प्राइस इज मूविंग बिटवीन 20 रुपीज, ये 20 रुपए के बीच में जो है प्राइस जो है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। फाइनली देखिए जो ये कैंडल ने देखिए ब्रेकआउट दिया है, कितनी अच्छी कैंडल है, काफी बड़ी कैंडल है। और देखिए यहां पर चलिए आइए हम यहां पर देखते हैं कि ये जो पैटर्न बना था हम इसका टारगेट अचीव हुआ कि नहीं हुआ। ये तो जो पैटर्न था ये 50 रुपीज का पैटर्न था, मीन्स ऊपर 340 की जो है रेजिस्टेंस थी, तो 340 से जो है 390 जो है हमारा टारगेट होता है, तो 390 टारगेट तो देखिए आपको यहीं पर मिल गया था 390, और ये कहां तक ये प्राइस गया है, ये देखिए 536, तो 340 से 540 मान लीजिए आप 200 रुपीज, तो आप यहां पर देखिए 4 टाइम्स जो है मतलब प्रॉफिट यहां पर आराम से मिल चुका है, 4 टाइम्स। अभी यहां पर देखिए प्राइस कहाँ है, यहां पर 590, तो यहां पर 5 टाइम्स मतलब 1:1:5। अगर आपने 50 रुपीज का मतलब स्टॉप लॉस लेके चले होते और जो है आपको यहां पर 250 रुपीज की जो है टारगेट यहां पर आपका अचीव हुआ है। चलिए मैं आपको एक और बताता हूँ, ये बना था शायद जुबिलेंट फूड में, इसको ट्रेड किया था मैंने,
तो जुबिलेंट फूड का चार्ट हम खोल लेते हैं, फिर आप लोगों के सामने जो है मैं इसको करके दिखाऊंगा। तो यहां पर देखिए, ये देखिए जुबिलेंट फूड, जुबिलेंट फूड ये देखिए, ये एक अप ट्रेंड है। ये देखिए नीचे से ऊपर की तरफ गया, ठीक है, हायर हाई हायर लो बनाया, हायर हाई हायर लो, ठीक है। और फाइनली देखिए दी प्राइस जो है यहां पर जाके पॉज हो गया है, ठीक है। मींस नीचे का जो सपोर्ट है वो 1560 रुपये, 1560 रुपीज, एंड जो ऊपर का जो रेजिस्टेंस है वो 1644 रुपीज है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आप एक मान के चलिए मोटा मोटा 1560 और ऊपर जो है 1650, तो नियर अबाउट 90 रुपए की रेंज बनी है। अच्छा मैं देखिए आपको यहाँ पर जो चीज, एक एक कैंडल बन रही तो समझ नहीं आ रहा होगा, तो मैं आपको इसको अभी 30 मिनट के चार्ट में भी करके दिखाऊंगा। तो यहां पर देखिए इस कैंडल ने जो ब्रेकआउट दिया है, ये जो कैंडल है जहां पर मेरा कर्सर है इसको देखिएगा, इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया और यहां पर देखिए वॉल्यूम भी अच्छा लगा हुआ है। तो यहां पर इस कैंडल के ऊपर आप जो है आपकी एंट्री होगी, स्टॉप लॉस आपका यहां पर भी रख सकते हैं, ये जो एक स्विंग लो बना हुआ है यहां रख सकते हैं, या फिर आप यहां पर स्टॉप लॉस रखिए। तो ये 90 रुपीज की रेंज थी, ठीक है। ऊपर का जो प्राइस था वो 1650 था, तो इसका जो हाई जो लगा हुआ है तो वो देखिए वो 1973, तो 1650 रुपये से लेकर जो है 1973 रुपये, तो आप ये देख सकते हैं भी 300 रुपये से ज्यादा, 300 रुपीज, मोर देन 300 रुपीज टारगेट अचीव। ओके, तो ये जो है 90 रुपीज का यहाँ पर 3 टाइम्स आपको जो है प्रॉफिट मिला है। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल सिंपल ये होता है, मैं इसको 30 मिनट के चार्ट में दिखाता हूँ आपको जो है, और अच्छे से जो है पिक्चर क्लियर होगी। तो चलते हैं पीछे थोड़ा, और पीछे कर लेते हैं इसको 1 मिनट। तो देखिए इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने अपनी एंट्री और अपना जो है स्टॉप लॉस को जो है बहुत अच्छे से मेंटेन करना है, कि किस तरह स्टॉप लॉस, देखिए इसको हमेशा जो है आप मनी मैनेज को प्रॉपर फॉलो करिए, तो आपको जो है चीजें जो है मतलब चीज आसान लगने लग जाएंगी और अच्छे समझ में आने लग जाएंगी। यहां पर देखिए प्राइस क्या हो रहा है, ये 30 मिनट का मैंने चार्ट खोल लिया है, ठीक है। चलिए मैं इसको 1 आवर कर लेता हूँ, 1 आवर में जो है चार्ट थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। चलिए ये है, यहां देखिए ये प्राइस, देखिए जो नीचे का प्राइस है वो 1550 रुपये का है, देखिए ऊपर जा रहा है, रेजिस्टेंस को टच कर रहा है, नीचे आ रहा है सपोर्ट को टच कर रहा है, फिर ऊपर जा रहा है रेजिस्टेंस को टच कर रहा है, फिर नीचे आ रहा है सपोर्ट को टच कर रहा है। तो देखिए मल्टीपल टाइम्स जो है मतलब काफी टाइम तक आप देख सकते हैं, फ्रॉम 29th अक्टूबर, और ये जो इसने ब्रेकआउट दिया है वो दिया है दिसंबर, तो नियर अबाउट 3 मंथ्स जो है एक रेंज में जुबिलेंट फूड ने जो है ट्रेड किया है। तो फाइनली यहां पर देखिए मैं आपको अब एंट्री एग्जिट और जो है टारगेट स्टॉप लॉस सब बता देता हूं। ये देखिए ये जो कैंडल है ग्रीन कैंडल जो आप देख रहे हैं, मैं इसको चार्ट बड़ा कर देता हूं, ये जो ग्रीन कैंडल देख रहे हैं ये देखिए कितनी बड़ी कैंडल बनी हुई है, और आप यहां पर वॉल्यूम देखिए, देखिए इसको आपने सिर्फ जो है एक कैंडल के बेस पर कभी ट्रेड नहीं करना है। कैंडल के बेस पे ट्रेड करेंगे तो आप यहाँ पर ट्रैप हो सकते हैं। आप इसको वॉल्यूम को जरूर बीच में इंक्रीज कर लीजिए, मल्टी कंफर्मेशन होना बहुत जरूरी है। तो इस जो कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, ठीक है, आप यहां पर इस प्राइस के ऊपर जो ये प्राइस का जो हाई लगा था वो लगा था 1656 रुपए का, तो आप जो है 1657 58 60 के नियर अबाउट आप यहां पर ट्रेड ले सकते थे। और आपका स्टॉप लॉस देखिए, या तो यहां पर आप अपना स्टॉप लॉस रख लीजिए, जो स्विंग लो बना हुआ है यहां पर स्टॉप लॉस रख लीजिए अगर आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, नहीं तो आप जो है अपना स्टॉप लॉस जो है यहां पर 1550 के नीचे रखिए, ठीक है। तो ये आपकी एंट्री हो गई, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया, और टारगेट जो ये रेंज है 70% क्वांटिटी अपनी जो है, जब ये रेंज मान लीजिए 90 रुपए की रेंज है, तो 90 रुपए पर आप जो है अपनी 70% क्वांटिटी बुक कर लीजिए, बाकी 30% को ट्रेल करते रहिए, जहां तक स्टॉक चलता है उसका पूरा प्रॉफिट बुक करिए। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन जो है आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर किसी तरह का कोई डाउट है तो आप जो है नीचे मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे वो चीजें पूछ सकते हैं, मैं आपके सारी क्वेरी का रिप्लाई करूंगा। और मैं इस तरह के चार्ट जो है अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट करते रहता हूँ, तो अगर आप फ्री में टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।